दोस्तों इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो ICAR फिफ्थ डीन कमेटी के अनुसार रिपोर्टेड होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको 10 भी मिल जाएगा, ये सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी 95% सिलेबस जो है वो सभी यूनिवर्सिटियों में सेम होता है। पहला सब्जेक्ट है कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकेंड रबी क्रॉप, ये जो है 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और दूसरा है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स, ये भी 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, ये जो है प्रैक्टिकल के लिए है, और तीसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ये 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट जो चौथा सब्जेक्ट है, ये भी जो है 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये जो है 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्गामेंटल क्रॉप्स एंड मैप एंड लैंडस्केपिंग, ये जो है 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी जो है 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट है एग्री इंफॉर्मेटिक्स, ये भी 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। इसमें सभी सब्जेक्ट जो है 2 ग्रेड के हैं, केवल प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी 3 ग्रेड का है, और नेक्स्ट है एग्री इंफॉर्मेटिक्स, ये 2 ग्रेड का है, और लास्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये भी 2 ग्रेड का है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।